गुवारा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रात्रि करीब 9:30 बजे के लगभग भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब परिवहन करते एक बुलेरो वाहन को गुवारा उप थाना प्रभारी प्रमोद रोहित की टीम ने पकड़ा है, जिसमें 42 पेटी अवैध देसी शराब, 378 लीटर जिसकी कीमत 1,36,500 रुपए सहित वाहन को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि उप थाना प्रभारी प्रमोद रोहित अपने हमराही बल के साथ रात्रि करीब 9:30 बजे के दरमियान भ्रमण पर थे। उसी समय मुखबिर से सूचना मिली कि एक बुलेरो वाहन लाल कलर की शाहगढ़ साइड से आ रही है, जो कि टीकमगढ़ की ओर जा रही है, जिसमें अवैध शराब लदी हुई है। सूचना पर तत्काल उप थाना प्रभारी ने पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन के निर्देशन में तत्काल अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर वाहन को रोका गया और जब वाहन की चेकिंग की तो उसमें 42 पेटी अवैध शराब लदी हुई थी। उसी समय जब वाहन चालक से इस शराब के ले जाने एवं अन्य दस्तावेज मंगाए तो चालक कोई जवाब नहीं दे पाया और उसी समय पर वाहन चालक आरोपी महेंद्र लोधी निवासी टीकमगढ़ को हिरासत में लेते हुए अवैध शराब को जब्त कर वाहन को उप थाना परिसर में रखवा कर आरोपी पर धारा 34/2 आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी को न्यायालय बड़ा मलहरा में पेश किया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।